सो गाइस, यहाँ आपका 2010 से एक सेट चल रहा है, सेट नंबर 3, जो कि SSC CGL मेंस का सेट है। यस गाइस, सेट नंबर 3 का आज ये जो आपका पार्ट है, ये है पार्ट नंबर 3। इससे पहले मैं इसके 2 पार्ट्स आपको दे चुका हूँ, अपलोड कर चुका हूँ, आप उस पर वीडियो देख चुके हैं गाइस ऑलरेडी। यस, हम लोग बात करेंगे आज आगे के पार्ट्स की, आगे के वीडियोस की। तो यहाँ पे गाइस पार्ट नंबर 3 आप लोग जो देख रहे हैं इस समय, यहाँ मैं 80 क्वेश्चन तक आपको सॉल्व करवा चुका था। अब हम लोग बात करेंगे 80 से आगे के क्वेश्चंस की। तो यहाँ पे गाइस 81 से 100 तक आपका शुरू होता है एक्टिव पैसिव, यानी कि वॉइस। तो गाइस कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको रूल्स को देख करके सेंटेंस को रेस से बाहर निकालना है और सेंटेंस ठीक करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि द फर कोट्स वर इम्पोर्टेड। गाइस यहाँ पे पहले से ही उसने वोज वर प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है, इसका मतलब सेंटेंस पहले से ही आपका पैसिव में है। आपको एक्टिव में बनाने के लिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म को ढूंढना होगा जो कि फर्स्ट में है। वेरी गुड, सेंटेंस बनेगा लेकिन अस को देखते हुए वी से, क्योंकि ऊपर वाले सेंटेंस में बाय अस कहा है उसने, तो हम सेंटेंस को वी से बनाएंगे। इसलिए पहला वाला आपका रेस से बाहर हुआ, दूसरे वाला भी बाहर हुआ बिकॉज स्वीडन से बना है, थर्ड और फोर्थ आपका इसमें शामिल। थर्ड में सेकंड फॉर्म है लेकिन फोर्थ में आपका हेड लगाया गया, इसलिए इससे बाहर। इसका आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ही करेक्ट। आगे देखिए गाइस, कह रहा है कि वी अंडरस्टैंड दैट ही अपोज ओवर व्यूज। सो गाइस यहाँ पे अंडरस्टैंड जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे सेंटेंस 2 पार्ट में है, वी अंडरस्टैंड दैट, एक दैट से पहले वाला, एक दैट के बाद वाला। पहले वाला बनाएगा आपका इट से, फर्स्ट फॉर्म को देखते हुए इज एम आर, इट इज अंडरस्टैंड बाय अस दैट ही अपोजेज ओवर व्यूज, जो कि पहला ही आपका करेक्ट बैठ रहा है गाइस। सो 82 का आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट ही करेक्ट। आगे देखिए गाइस, यहाँ पे 83 में डिसीजंस मस्ट बी टेकन, मस्ट के साथ उसने लगाया बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने आपको बताया हुआ ही है कि बी की फैमिली का आना और साथ में थर्ड फॉर्म का आना मतलब इशारा करता है कि सेंटेंस पैसिव में है। आपको एक्टिव बनाना है तो आपको सिर्फ मस्ट और फर्स्ट फॉर्म ढूंढनी होगी, वह आपका पहले में नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, तो सिर्फ इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ही करेक्ट। वी कैन ऑल बाय अवर टिकट्स एट दिस काउंटर। सो गाइस उसने लगाया कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें ढूंढना है, कैन बी प्लस थर्ड फॉर्म, कैन बी प्लस थर्ड फॉर्म। दूसरी बार सेंटेंस बनेगा आपका योर टिकट से, किससे बनेगा, योर टिकट से, जो कि सिर्फ बी में है और डी में है, बी में है और डी में है। बी में टिकट करा, नॉट टिकट्स, इसलिए इससे बाहर। इसका आंसर डी ही हो जाएगा करेक्ट। अगला है रूम वॉज क्लीन्ड, यानी कि सेंटेंस पहले से ही आपका पैसिव में है क्योंकि वॉज वर्ब के साथ में थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर दिया गया है। आपको सेकेंड फॉर्म लगाना होगा, ध्यान रखना। तो आप देख रहे होंगे सेंटेंस में ऊपर रूम वॉज क्लीन्ड, यानी कि ऑब्जेक्ट गायब है। ऑब्जेक्ट तब गायब हुआ करता है जब सेंटेंस में सब्जेक्ट की पोजीशन पर समवन, समबडी, पीपल और पुलिस हो। तो गाइस यहाँ पे समवन क्लीन्ड द रूम, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी करेक्ट। आई शुड हैव मैट हिम यस्टरडे। सो गाइस यहाँ पे उसने लगाया शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, यानी कि सेंटेंस अभी तक एक्टिव में है। हमें बनाना होगा पैसिव, पैसिव बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें लगाना होगा अपनी तरफ से शुड हैव साथ में बीन। क्या लगाना होगा, शुड हैव साथ में बीन और हिम का हो जाएगा ही। हालांकि सारे सेंटेंस ही से स्टार्ट हैं, फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी, फोर्थ बी। पहले वाले में ही शुड हैव बीन गायब है, इसलिए इससे बाहर। दूसरे वाले में हैव ही गायब है। थर्ड में शुड हैव बीन मीटिंग आईएनजी लगा दी, इसलिए इससे बाहर। अब आपकी मजबूरी है कि आपको इसका आंसर डी ही लगाना होगा, यानी कि 86 का आंसर हो जाएगा आपका डी कन्फर्म। 87, वन कुड सी हर लाइंग ऑन द फ्लावर बर्ड्स। सो गाइस वन कुड सी, यहाँ अगर मैं सेंटेंस की बात करूँ तो सेंटेंस में मुझे कुड प्लस सी यानी कि फर्स्ट फॉर्म दिख रही है। मुझे ढूंढना होगा कुड बी प्लस थर्ड फॉर्म, कुड बी प्लस थर्ड फॉर्म, ये ध्यान रखना। उसके बाद में सेंटेंस बनेगा हमारा शी हर, जिसने हर कहा है उसका बन जाएगा शी से। शी से हमारे 3 सेंटेंस है, यानी कि ए तो रेस से बाहर हुआ, बचा बी सी डी। बी में कुड बी नहीं है, रेस से बाहर। सी में कुड बी है, डी में भी कुड बी है, लेकिन सी में कुड बी के साथ थर्ड फॉर्म भी है, डी में नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा सी ही कन्फर्म।
88 देखिएगा, वी एक्सपेक्ट गुड न्यूज़। तो गाइस एक्सपेक्ट आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हमें साथ में ढूंढना होगा इज एम आर में से कोई भी एक और वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस बनेगा गुड न्यूज़ से, क्योंकि वर्ब के तुरंत बाद वाला ऑब्जेक्ट कहलाया करता है। ऑब्जेक्ट अब आपका सब्जेक्ट बन चुका होगा। गुड न्यूज़ आपका अनकाउंटेबल नाउन है, हमें लगाना होगा इज। क्या लगाना होगा? इज, जो कि फर्स्ट में है। सेकंड में लेट से नहीं बनेगा, थर्ड लेट से नहीं बनेगा, एक्सपेक्टिंग से नहीं बनेगा। हमारा आंसर हो जाएगा इसका पहला ही करेक्ट। आगे बढ़े गाइस, तो सेंटेंस है माय टीचर गेव मी अ जर्नल टू रीड। सो गाइस गेव आपका एक सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म है मतलब हमें चाहिए वॉज वर्ब। क्या चाहिए हमें? वॉज वर्ब। सो गाइस वॉज वर्ब कितनों में है? साथ ही साथ सेंटेंस बनेगा आपका मी यानी कि आई से। आई आपका पहले में है, आई आपका डी में है, ये ध्यान रखिएगा। तो यानी कि बी और सी आपके पहले ही रेस से बाहर हो चुके हैं, इनकी आपको कोई काउंटिंग नहीं करनी है। सेंटेंस में आई वॉज गिवन अ जर्नल बाय माई टीचर टू बी रेड। आई वॉज गिवन अ जर्नल बाय माई टीचर टू रेड, नॉट टू बी रेड। इसका आंसर होगा डी। ए वाला टू बी रेड की वजह से रेस से बाहर हो गया, क्योंकि इसमें उसने डबल पैसे बना दिया। इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू दिस। सो गाइज इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू दिस। सेंटेंस नंबर 90 गाइज, ये आपका सेंटेंस में आपको चाहिए बी प्लस थर्ड फॉर्म। इट इज़ टू डू दिस इज इम्पॉसिबल, यहाँ कोई पैसिव नहीं बनाया भाव। टू डू दिस बाय इट इज इम्पॉसिबल, कहीं थर्ड फॉर्म नहीं आई है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू हैव डन दिस, जी नहीं। आंसर होगा सिर्फ डी करेक्ट। सेंटेंस नंबर 91 देखिए, कह रहा है कि फिजिकली चैलेंज पीपल शुड नॉट बी लाफ्ड एट बाय द पब्लिक। गाइस ये सेंटेंस पहले ही पैसिव है, क्योंकि उसने आपके साथ में शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है। हमें शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना होगा तो सेंटेंस हमारा एक्टिव बनेगा, जो कि हमारा फर्स्ट में है शुड नॉट। तो लेकिन सेंटेंस आपका फिजिकली चैलेंज पीपल से नहीं बनेगा, सेंटेंस बनेगा द पब्लिक से, इसलिए रेस से बाहर। दूसरे वाले में द पब्लिक है, थर्ड में द पब्लिक है, डी में भी द पब्लिक है, लेकिन बी में विल नॉट भी आ गया, सी में शैल नॉट भी आ गया, डी में शुड नॉट है जो हमें चाहिए था। इसका आंसर हो जाएगा पर डी ही करेक्ट। ही डिसाइडेड टू सेल द कार। गाइस यहाँ पर 92 सेंटेंस में हमें दो चीज़ों को देखना होगा। एक तो सेंटेंस डिसाइडेड से ही बन सकता है, डिसाइडेड से बनाएंगे तो हमें चाहिए होगा वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म। दूसरा है हमारे पास टू सेल। क्या है हमारे पास में? टू सेल। तो टू सेल को अगर हम बनाना चाहेंगे तो ये बनेगा हमारा टू बी सोल्ड, टू बी सोल्ड। दो तरह से बन सकता है, अब देखना है कौन सा बन रहा है। इट वॉज डिसाइडेड दैट द कार शुड बी सोल्ड। तो कम से कम शुड बी की तो यहाँ पे जरूरत नहीं है, रेस से बाहर। बी में द डिसीजन वॉज मेड बाय हिम, ये भी आपका रेस से बाहर हुआ। अगला देखिएगा, द डिसीजन दैट द कार मस्ट बी की वजह से बाहर, अब आपकी मजबूरी है कि आपको डी ही आंसर लगाना होगा। कैन वी सेंड दिस पार्सल टुमैरो। सो गाइस सबसे पहले तो कैन से सेंटेंस शुरू हुआ है, कैन से ही आपका शुरू होगा, साथ में हमें चाहिएगा बी और थर्ड फॉर्म। कैन द पार्सल बी सेंट बाय अस टुमोरो। सो गाइस 93 सेंटेंस का आपका जो आंसर फिट बैठ रहा है वो है आपका सी करेक्ट। आगे देखिए गाइस, अ डिटेक्टिव अरेस्टेड हिम एज सून एज ही गॉट होम। गाइस यहाँ पे सेंटेंस में अगर हम लोग बात करें तो अ डिटेक्टिव अरेस्टेड हिम, अरेस्टेड यानी कि सेकंड फॉर्म है। क्या है आपकी? सेकंड फॉर्म। हमें लगाना होगा वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म। एन अरेस्ट वॉज पहला रेस से बाहर, क्योंकि सेंटेंस बनेगा ही से, बी में ही है, बाकी सी ओ डी में ही है ही नहीं, ही बी में वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म भी है, यही आपका होगा सेंटेंस का आंसर। 95 दे कुक्ड द फूड एंड सेंट इट टू द ऑर्फनेज। कुकड आपकी सेकंड फॉर्म है, हमें ढूंढना होगा वॉज वर्ब। यस गाइस क्या ढूंढना होगा हमें? वॉज वर्ब कितनों में है? सेंटेंस बनेगा द फूड से, क्योंकि कुकड के बाद में द फूड आपका एज ऑब्जेक्ट आया है, जो कि एज ए सब्जेक्ट बन चुका होगा। द फूड वॉज कुकड एंड सेंट टू द ऑर्फनेज बाय देम, जो कि सिर्फ और सिर्फ बी में ही है। इसका आंसर आपका हो जाएगा बी कन्फर्म। वेयर वर दे प्लेइंग द क्रिकेट, हमें दिख रहा है वॉज वर्ब प्लस आईएनजी। हमें ढूंढना है आपको वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कितनों में है। पहले बात तो वेयर आया, वॉज द क्रिकेट, बीइंग आया नहीं, रेस से बाहर। दूसरे में हैज आ गया, रेस से बाहर। तीसरे में विल आ गया, रेस से बाहर।
अब आपकी मजबूरी है कि आपको डी ही आंसर लगाना होगा, बस बात खत्म। दे से ही कैन टीच ऑलमोस्ट एनी थिंग इन दिस वर्ल्ड। 97 में गाइस पहले उसने लगाया देश से, ये बनेगा आपका इट इज़ सैड से, इट इज़ सैड। दैट ही कैन को बनाएंगे कैन बी प्लस थर्ड फॉर्म जो कि पहले में है, दूसरे में वॉज की वजह से बाहर, तीसरे में कुड भी कर दिया रेस से बाहर, फोर्थ में विल भी कर दिया रेस से बाहर। इसका आंसर होगा सिर्फ आपका पहला ही करेक्ट। प्लीज़ एंटर बाय द लेफ्ट डोर। गाइस यहाँ पर बाय को देख करके आप ये मत गच्चा खा जाना कि सेंटेंस पहले से ही आपका पैसिव है, क्योंकि अगर ये पैसिव होता तो इससे पहले थर्ड फॉर्म और बी की किसी फैमिली का होना अति जरूरी था, जो कि यहाँ पे नहीं है। सो गाइस सेंटेंस पैसिव है ही नहीं, हमें पैसिव बनाना है। तो यहाँ पे आप बनाएंगे रिक्वेस्ट, जो कि आपको सिर्फ एक ही है, यू आर रिक्वेस्टेड टू एंटर बाय द लेफ्ट डोर। सो गाइस का आंसर आपका बी करेक्ट। आई वुड एडवाइज यू नॉट टू गेट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ योर बॉस। सेंटेंस नंबर 99, आई वुड एडवाइज। सो गाइस यहाँ पे उसने लगाया वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमें लगाना होगा वुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कितनों में है ये देखिएगा, फर्स्ट में वुड बी प्लस थर्ड फॉर्म है। इट वुड बी एडवाइज बाय मी नॉट टू गेट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ योर बॉस। गाइस यहाँ पे सेंटेंस बना आपका आई वुड एडवाइज यू, एडवाइज के बाद आपका यू आ रहा है, यानी कि सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे यू से, जो कि कम से कम पहला और दूसरा हमारा नहीं बन सकता, डी भी नहीं बन सकता, सिर्फ सी ही इसका आंसर होगा करेक्ट। दे हैव डन दिस टू डिफ्यूज द क्राइसिस। सो गाइज हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म, हमें ढूंढना हैज़ हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म, साथ ही साथ सेंटेंस बनेगा आपका द क्राइसिस से। किससे बनेगा आपका द क्राइसिस से, या फिर दिस से भी बन सकता है। सो दिस हैज़ बीन डन बाय देम, पहले वाले में हैज़ बीन आया लेकिन थर्ड फॉर्म नहीं आई है इसलिए इससे बाहर, दूसरे में है, तीसरे वाले में दिस के साथ हैव लगाया जो कि रॉन्ग है, फोर्थ तो पूरी तरह से रॉन्ग है। इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ बी करेक्ट। गाइज यहाँ पर 101 से 120 तक हमें दिया गया है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। क्या दिया गया है? सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, एक सेंटेंस दिया गया है उसको अंडरलाइन किया गया है, हमें बताना है कि अंडरलाइन वाले पार्ट में क्या एरर रही होगी। सो गाइज उसको पकड़िएगा और आगे बढ़िएगा मेरे साथ में। कह रहा है कि आई एंड माई पेरेंट्स लिव टुगेदर, मैं और मेरे माता पिता एक साथ रहते हैं। गाइज जब भी सेंटेंस में एक साथ दो या दो से अधिक प्रोनाउन आपको दिखाई दें, 1, 2, 3, 2, 3, 1, सही काम गलत काम के लिए, सही काम के लिए, ये आपका तीन प्रोनाउन को एक साथ लगाने का फॉर्मेशन है। अगर आपको दो दो लगाने हो तो 12, 23, 13, 23, 31, 21। यहाँ पे आई एंड माई पेरेंट्स, यानी कि उसने लगाया माई पेरेंट्स को हम लोग रखेंगे थर्ड में और माई आई को रखेंगे फर्स्ट में। 1 + 3, 1 + 3 गलत काम के लिए, जबकि यहाँ पे कोई गलत बात नहीं हो रही है। आई एंड माई पेरेंट्स लिव टुगेदर, तो आपका होना चाहिए था माई पेरेंट्स एंड आई लिव टुगेदर, यानी कि सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका बी कन्फर्म। गाइज जब भी एक सेंटेंस में दो या दो से अधिक प्रोनाउन आपको देखने को मिले तो आप सबसे पहले सेंटेंस में यही फॉर्मेशन अप्लाई करें और चेक करें क्या दिया गया सेंटेंस आपको सही है या नहीं। हो सकता है कि यही गलती आपको देखने को मिले एग्जाम के दौरान भी, बस आपको इन चीज़ों को पकड़ना है और कुछ भी नहीं गाइस, सब कुछ आपकी मुट्ठी में है, आप जो चाहे मर्जी कर सकते हैं। गाइस आगे देखिए गाइस यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस जो उसने आपको दिया है, यस वो भी कुछ इसी प्रकार से आधारित है आपका। कह रहा है कि आई वॉज रियली क्रिटिसाइज्ड बाय द एंग्री वर्ड ऑफ माई फादर। सो गाइस क्रिटिसाइज का होता है आलोचना करना। ये बुक जो है बच्चों किसी बच्चे से ली गई है, उसने इसके ऊपर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो मतलब एडजस्ट कीजिएगा। उसने कहा मेरी जो है आलोचना की गई। सो गाइज यहाँ पर बात हो रही है आलोचना की। आलोचना गाइज कभी भी माँ बाप नहीं किया करते। सो यहाँ पे पहला वर्ड आपका जोल्टेड, जोल्ट मतलब झटका खाना, फ्लटर्ड घबराहट हो जाना, और थॉटर्ड मतलब घबराया हुआ, और उसके बाद में नो इम्प्रूवमेंट। तो गाइज यहाँ पे आई वॉज रियली फ्लटर्ड बाय द एंग्री वर्ड्स ऑफ माई फादर, क्योंकि बात हो रही है शब्दों की, पापा के लिए क्रिटिसाइज लगाना गलत होगा। इसका आंसर आपका हो जाएगा बी ही करेक्ट। मैन हैज़ अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू कलेक्ट वेल्थ। सो गाइज यहाँ पे कलेक्ट का मतलब होता है संग्रह करना, चीज़ों का संग्रह करना।
लेकिन गाइस यहाँ पे ये शब्द गलत है। स्पेंड माने खर्च करना, एक्यूमुलेट का मतलब होता है जोड़ना, तो यहाँ पे गाइस एक्यूमुलेट आप लगाइए, ज़्यादा बेटर रहेगा वर्ड आपका। इसका आंसर होगा आपका बी करेक्ट। आगे बढ़िएगा, क्या कह रहा है, सी इंसिस्टेड टू गो देयर दो हर हस्बैंड कॉशन्ड हर ऑन इट। सो गाइस यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, इंसिस्ट के साथ में हम लोग हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन ऑन का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, ऑन का, और ऑन के साथ लगाएंगे हम लोग जीरंड। क्या लगाएंगे, जीरंड। तो यहाँ पे ऑन आएगा प्लस जीरंड, जो कि आपका पहले में ही है और किसी में नहीं है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ए ही करेक्ट। इट इज़ शीर फुलिसनेस टू थिंक दैट द एजुकेशन सिस्टम कैन बी इम्प्रूव्ड बाय डूइंग अवे एग्जामिनेशन। कह रहा है कि ये बहुत ही अजीबोगरीब और मूर्खतापूर्ण बात लगी कि एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया जा सकता है एग्ज़ाम्स ना करा करके। गाइस एग्ज़ाम से ही तो हमारी क्षमताओं का पता चलता है, हमारी योग्यताओं का पता चलता है। यस गाइस, सो यहाँ पे बाय डूइंग अवे के साथ में हमें विद भी लगाना होगा, तो यस यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट। डूइंग अवे विद समाप्त करना, डूइंग अवे विद का मतलब है गाइस समाप्त करना, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा सी करेक्ट। डू आई हाउ से, डू आई हाउ से। सो गाइज यहाँ पे 106 सेंटेंस में उसने कहा डू हाउ आई से, डू व्हाट आई से, यानी कि वो करो जो मैं कहता हूँ करने के लिए। सो गाइज यहाँ पे आपको लगाना होगा बी नॉट हाउ। आई एम थिंकिंग टू डू एम ए इन इंग्लिश। गाइज मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कई बार और वैसे भी कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, कह रहे हैं कि आई एम थिंकिंग टू डू एन एम ए इन इंग्लिश। सो गाइज यहाँ पे थिंकिंग के साथ में हमेशा आप ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, जो सबसे ज़रूरी बात है, नॉट टू का। आई एम थिंकिंग ऑफ डूइंग एन एम ए इन इंग्लिश। सो गाइज इसका आंसर हो जाना चाहिए आपका बी करेक्ट। यू मे साइन ऑन दिस पेपर, आप खुद साइन कर सकते हैं इस पेपर पर, ये कहना चाह रहा है गाइज। सो यहाँ पे गाइज मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे साइन का मतलब ही किसी चीज़ के ऊपर किया जाता है, साइन आप हवा में नहीं कर सकते। यू मे साइन ऑन दिस पेपर, यानी कि आपको इसके साथ ऑन लगाने की जरूरत नहीं है। यू मे साइन दिस पेपर, यू मे साइन दिस पेपर, ये अपना में ठीक है। ओके गाइज, तो यानी कि इस सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा बी करेक्ट। मेजोरिटी ऑफ पीपल रॉन्गली बिलीव दैट देयर मस्ट बी अ सन इन एवरी फैमिली। तो यहाँ पे कह रहा है मेजोरिटी ऑफ पीपल, सेंटेंस नंबर 109, मेजोरिटी ऑफ पीपल बिलीव दैट, जी नहीं, द पीपल, यहाँ पर होना चाहिए था मेजोरिटी ऑफ द पीपल, मेजोरिटी ऑफ द पीपल रॉन्गली बिलीव, बस ऑफ के बाद हमें यहाँ पे दा लगाना था, ऐसा कुछ नहीं करना था, बिकॉज आगे एक रिलेटिव प्रोनाउन दैट खड़ा है। मैंने आपको बताया है अक्सर जब भी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आपका कोई नाउन आएगा तो उससे पहले आपको दा लगाना अति ज़रूरी है। अगर यहाँ पर दैट ना होता तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट था, मेजोरिटी ऑफ द पीपल रॉन्गली बिलीव दैट, तो सेंटेंस करेक्ट होगा। यहाँ पे हमें दा लगाना ही होगा, कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन आपका विच, हु, होम, वट, दैट, इनसे पहले कभी भी कोई भी नाउन अगर आता है तो आपको उनसे पहले दा का इस्तेमाल करना ही होगा। इफ़ आई फॉलोड इंस्ट्रक्शन आई कुड हैव अवर्टेड द मिस हैव। गाइज ये आपका सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस पर आधारित है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म जो उसने लगाई है, इस हिसाब से आगे आपका वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए था, लेकिन आगे उसने वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म नहीं, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है। वुड हैव नहीं मतलब कुड हैव किया है, लेकिन उसी फैमिली से है ये भी। सो गाइस कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया है, तो पिछले वाले सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म नहीं, हैड प्लस थर्ड फॉर्म होना चाहिए था। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म तब जब यहाँ पे कुड प्लस फर्स्ट फॉर्म होता, लेकिन थर्ड फॉर्म हैड प्लस थर्ड जब वहाँ पे कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पे इफ आई हैड फॉलोड, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाना चाहिए पहला ही करेक्ट। बॉन्डेड लेबर हैज़ बीन नाउ ऑलमोस्ट अ थिंग ऑफ द प्योर पास्ट। सो गाइस 111 सेंटेंस में वो कह रहा है कि बॉन्डेड लेबर हैज़ बीन नाउ, गाइस यहाँ पे सेंटेंस चल रहा है प्रेजेंट में, हमें यहाँ पे हैज़ बीन की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ सेंटेंस चलेगा आपका काम इज से, सिंपल प्रेजेंट बनाएंगे। बॉन्डेड लेबर इज नाउ ऑलमोस्ट अ थिंग ऑफ द पास्ट, तो यहाँ पे इसका आंसर हो चुका है बी करेक्ट। आई प्रीफर रिमेनिंग साइलेंट टू स्पीकिंग, गाइस ये तो आपको पता ही है कि प्रेफर के साथ में हमेशा हम लोग
का इस्तेमाल करते हैं, उसने टू का इस्तेमाल किया भी है। सो गाइस, यहाँ अगर बात करें सेंटेंस में एरर की, तो सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, सेंटेंस हो जाएगा आपका नो इम्प्रूवमेंट, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी करेक्ट। इस गाइस, अभी इसका फोर्थ पार्ट मुझे देना है, इसमें मैं आपको कराऊंगा स्पीच और इसके बाकी बचे हुए कुछ क्वेश्चंस। यहाँ पर ये 120 क्वेश्चन तक थी आपके सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, लेकिन बाकी के 8 क्वेश्चन मैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में कराने वाला हूँ। गाइस, आज की वीडियो में इतना ही, फिलहाल लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।